हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू क्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस मैं वेट कर रही थी यार क्लास का आई वाज वेटिंग फॉर द क्लास बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड आई एम वेरी पम्प्ड अप एंड आई होप यू आर टू ठीक है मैम क्या हमें ओल्ड आई भी याद रखना होगा गिरीश आपके सवाल का जवाब मैं बस अभी पांच मिनट में दे दूंगी आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइज बिफोर आई स्टार्ट आज का सेशन ठीक है एंड उससे आई थिंक आपके सवाल का जवाब यहाँ पे आ जाएगा है ना uh, अब देखो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले सो टुडे विल बी स्टार्टिंग फुल फ्लेजेड भारतीय न्याय संहिता आज से हम प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर वन से ठीक है बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ विच इज कि कल एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा मैसेज आया था टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कि मैम मान लेते हैं कि मैं 2024 में आ जो है चौबीस दो हजार चौबीस के एंड में मैं एग्जाम दूंगा जुडिशरी का ठीक है तब तक हो सकता है चांसेस है नया वाला कानून आ जाए या नहीं आए वो अभी हमको यहाँ पे पता नहीं है तो क्या आप ये जो पढ़ा रहे हो नया वाला आईपीसी यूट्यूब के ऊपर क्या ये मुझे फिर भी अटेंड करना चाहिए इसका answer, इसका आंसर रीजन जो है सिंपल सा ये है कि जो जो ये सेशंस मैं मैं आपको करवा रही हूं जो मैं भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़ा रही हूं आपको ये इसे क्यों पढ़ना चाहिए आपको इन सेशंस को क्यों अटेंड करना चाहिए आप भले ही कभी भी एग्जाम दे रहे हो आप आज से तीन महीने के बाद एग्जाम दो आप आज से छह महीने के बाद एग्जाम दो आप दो के एंड में एग्जाम दो आप 2025 में दो में एग्जाम दो रीजन बींग मैंने आपको कल भी बताया था कि आई एल बी टीचिंग यू इन कंपेरिजन कंपैरिज़न का मतलब क्या है मैं एक तरफ आपको आईपीसी का सेक्शन दिखाऊंगी एक तरफ मैं आपको भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन दिखाऊंगी उससे पहले तो आप ये समझ पाएंगे कि दोनों सेक्शन जो भी सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उस सेक्शन में एक्टली exactly चेंज कहां पे आया है बदलाव कहां पे आया है तो पहला तो आप वो वहां पे कनेक्ट कर पाओगे ठीक है पहली बात दूसरी बात यहां पे ये यह है कि अगर आप दोनों को साथ में पढ़ोगे तो भाई भारतीय न्याय संहिता भी आपका कवर होता चला जाएगा और आईपीसी का भी रिविजन हो जाएगा अब दोनों में से एक तो आना ही है ना पेपर में या तो आईपीसी आएगा या भारतीय न्याय संहिता आएगा तो हाउ अबाउट कि हम दोनों ही पढ़ लें हमने आईपीसी तो पढ़ाई हुआ है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं और नया वाला भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ लेते हैं हमारे पेपर में आईपीसी तो के thing, तो ये आपको यूट्यूब के ऊपर इसलिए अटेंड करने चाहिए क्योंकि इसमें आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ाया जाएगा दोनों सेशंस जो है दोनों चीजें यहां पे आपको कवर करवाई जाएंगी ठीक है सो नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले दो तीन चीजें सो so गाइज आज की और मेरे आगे आने वाले क्लासेस की जो ये पीपीटी होगी जो मैं बना रही हूं बहुत मेहनत करके बहुत हार्डवर्क करके आई एम क्रिएटिंग दीज पीपीटीज फॉर यू तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप इस पीपीटी को लेना चाहते हैं आप इस पीपीटी का एक्सेस चाहते हैं तो यू हैव ज्वाइंड मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल वरना पीपीटी नहीं मिलेगा ठीक है पीपीटी मैं सिर्फ टेलीग्राम पे डालूंगी ओके प्लस अगर कोई सवाल या कोई डाउट है तो वो आप यहां पे भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इसके अलावा आप में से जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कि गाइस स्टडी आईक्यू जुडिशरी का भाई नया बैच है लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है सेकेंड ऑफ जनवरी से किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो आप इस बैच में इन कर सकते हो एडवोकेट जे सोनी आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है अच्छे से आज से आज हम डिटेल में ही स्टार्ट कर रहे हैं है ना मैंने कल ही बता दिया था तो किसी भी स्टेट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं यू कैन इनरोल इन दिस बैच जहां पर आपको प्रिलिम से लेके इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन हम करवाते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में और देखो अभी बेस्ट टाइम है कोर्स में एनरोल करने का अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि भाई चल रही है न्यू ईयर की सेल जहां पे ये कोर्स आपको 22999 में मिल जाएगा ठीक है बस इनरोल करते समय आपने क्या करना है एआरजे मेरा डिस्काउंट कोड है जो कि आपको यूज करना है ठीक है बाकी सेशन के एंड में एक बार मैं आपको बता दूंगी यस yes, शीरीन पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है पूरा आपको यहां पे फ्री में पढ़ाया जाएगा ओके अह So, बाकी मैं सेशन के एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आ, आपके कोर्स वगैरह कहां पे है कैसे आप एनरोल कर सकते हैं क्या क्या चीजें आपको कोर्स में मिलने वाली है ओके चलो नाउ वी आर फाइनली स्टार्टिंग आज से हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं अब फालतू के मैसेजेस चैट बॉक्स में मत डालना ठीक है जो भी आपके क्वेश्चन है मतलब

आपका इंडियन पीनल कोड लिखा होता था ठीक है यहाँ पे आपका एक्ट नंबर फोर्टी फाइव लिखा होता था यहाँ पे आपका इनैक्टमेंट ईयर जो है वो लिखा होता था फिर आपका चैप्टर नंबर वन था जिसका नाम क्या था इंट्रोडक्शन और फिर आपका प्रियम्बल था तो आईपीसी में हम क्या देखते थे कि भाई जो सबसे पहला चैप्टर था ठीक है सबसे पहला गाइस मैं पहले ही देखो बोल चुकी हूं कि अब अब मैं पढ़ाने के मोड में जा रही हूं है ना मैं अब पढ़ाने के मोड में जा रही हूँ ठीक है मैं नहीं देख पाऊंगी चैट बॉक्स पे आई कैन ईदर फोकस ऑन वन थिंग या तो मैं पढ़ा सकती हूँ या फिर मैं वहां देख सकती हूँ अनलेस तो जो मैं पढ़ा रही हूँ डाउट उस है उसके लिए अभी के लिए रुक जाओ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन पांच मिनट का वहां पे पूछ लेना अभी लेट मी फोकस ऑन वट आई वॉन्ट टू टीच बिकॉज इतना अच्छा नहीं है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ठीक है हाँ सो लाइक आई वॉज कि आई पे आईपीसी में हम क्या देखते थे कि आपका चैप्टर नंबर वन था इंट्रोडक्शन ठीक है उसके बाद चैप्टर नंबर वन में आपको क्या देखने को मिलता था आपको देखने को मिलता था और प्रियांबल के साथ क्या थे आपके पांच सेक्शन 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 और फाइव. ये पांच आपको देखने को मिलते थे ठीक है ये आपका आईपीसी था अब भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ है भारतीय न्याय संहिता में आपका क्या चेंज किया गया है ठीक है अब यहां पे देखो तो ये है भारतीय न्याय संहिता चेंज यहां पे क्या हुआ भाई इंडियन पीनल कोड की जगह क्या आ गया दी भारतीय न्याय संहिता दो हजार तेईस यहां पे आपका आ गया ये आपका सबसे बड़ा चेंज है सबसे बड़ा बदलाव है है ना एक्ट नंबर याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि आईपीसी का जो एक्ट नंबर था एक्ट नंबर no. यही इसका भी Act no. है that is Act no. 45. ये आपका चेंज नहीं होने वाला बस देखो सीधी सी बात है साल बदल गया है पे पे लिखा था 1860, यहाँ पे लिखा था है ये ये तो ये तो आपको ध्यान रख, याद रखने की जरूरत होगी भी नहीं क्योंकि ये आपके सामने बना है तो सबकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली भी ये आपके माइंड में फिट ही रहेगा कि भाई पैतालीसवा नंबर एक्ट था दो हजार तेईस का पैतालीस तो पहले से ही आपको याद होगा

अब यहां पे बीएनएस में क्या है इन्होंने पहले ही दे दिया है प्रियांबल मतलब पहले अब इन्होंने कर दिया है प्रियांबल फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर वन अब चैप्टर नंबर वन का इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया है जैसे IPC में देखोगे तो चैप्टर नंबर वन का नाम क्या था आपका इंट्रोडक्शन था यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है बीएनएस में चैप्टर नंबर वन का नाम कर दिया है प्रिलिमिनरी ठीक है जिसमें आपके तीन सेक्शंस कर दिए गए आईपीसी में क्या थे आईपीसी में चैप्टर नंबर वन का नाम था इंट्रोडक्शन उसमें था प्रियांबल और पांच सेक्शन यहां पे क्या है यहां पे चैप्टर नंबर वन का नाम हो चुका है प्रिलिमिनरी जिसमें है आपके सिर्फ तीन सेक्शन अभी मैं वो आपको बताऊंगी ठीक है अब यहां पे जब आप बात करते हो प्रियांबल के बारे में तो क्या प्रियांबल में कुछ चेंज हुआ है तो बिल्कुल चेंज हुआ है ठीक है आईपीसी का प्रियांबल क्या बोलता था आईपीसी का प्रियांबल आपका ये था ठीक है जहां पे जरूरी है इट इज एक्सपीडियंट है हमारे देश के लिए एक जनरल कोड बनाने के लिए ऐसा एक जनरल कोड हमने बनाया है एक ऐसा बहुत ही रद्दी सा इन्होंने यहां पे लिखा हुआ था अब यहां पे देखो एस का प्रियांबल क्या कहता है ठीक है बी का प्रियांबल कहता है कि ये जो एक्ट है इसे क्यों बनाया गया है कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया है और अमेंड करने के लिए बनाया गया है उन सारे प्रोविजंस को जो कि डील करते हैं किससे ऑफेंसेस से और ऑफेंसेस से जो चीजें कनेक्टेड है उन मैटर से उससे रिलेटेड ये कानून जो है वो आपका यहां पे बनाया गया है है ना कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कंसोलिडेट का गूगल करने जाओगे तो बहुत से मतलब समझ में आएंगे बहुत चीजें देखने को मिलेंगी कंसोलिडेट का सिंपल सा मतलब ही होता है किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना मैंने आपको कल भी बताया था कि आईपीसी में मेन दिक्कत क्या थी जो अमित शाह जी ने लोकसभा में भी बोला था कि भाई आईपीसी में आपको बताया था जैसे इन्होंने क्या किया है? को अरेंज कर दिया है, है ना जो प्रायोरिटी वाले ऑफेंसेस थे उनको पहले रख दिया है महिलाओं वाले ऑफेंसेस बच्चे वाले ऑफेंसेस उनको पहले डाल दिया है, है ना जो छुटपुट छुटपुट ऑफेंसेस थे उनको उन्होंने पीछे कर दिया है फिर जैसे कि हमने देखा था कि भाई महिलाओं से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस थे उनको एक ही चैप्टर में एक ही जगह डाल दिया है जैसे रेप हो गया, है ना हस्बैंड के द्वारा महिला को धोखा देके के deceitfully वाला रेप आपका हो गया महिला की मॉडेस्टी वाला आपका महिला की मॉडेस्टी आउटरेच करना हो गया कोई भी वर्ड या जेस्टर हो गया ये सब कुछ क्या था आईपीसी में थोड़ा हाफ था, कुछ इधर था कुछ उधर था कुछ इधर था, कुछ इधर था. अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है उसको सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर दिया है तो यही बात इन्होंने में लिखी हुई है कि भाई ये जो एक्ट आपका आया आया है है ये कंसोलिडेट करने के लिए आया है। एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इंडिया का क्रिमिनल लॉ यहां पे बनाना चाहते थे और प्रोविजन को अमेंड करना चाहते थे अब प्रोविजन को अमेंड करना तो हमने देखा कि भाई जरूरी था टेररिज्म को एक ऑफेंस बनाना जरूरी था इन्होंने बनाया है ना हम क्रुएल्टी को लेके बोलते थे फोर में हम पढ़ते थे कि भाई महिला के साथ फिजिकल या मेंटल क्रुएल्टी करना जो है 498 में एक ऑफेंस माना जाएगा लेकिन क्रुएल्टी क्रुएल्टी था था क्या वो किसी को नहीं पता था। तो इन्होंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ना चाइल्ड की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे आपको दे दी अडल्ट्री वाला प्रोविजन कंप्लीटली हटा दिया अननेचुरल ऑफेंसेस वाले प्रोविजन आपके हटा दिए तो चेंजेस भी किए हैं और उसको सिस्टमैटिकली अरेंज भी किया है किन चीजों को कि भाई भारत देश में ऑफेंसेस से क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रोविजन होते हैं जो भी चीजें होती हैं उसे हमने क्या किया है इस भारतीय न्याय संहिता में सिंपल तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज किया है और जहां जहां हमको बदलाव करने की जरूरत थी जहां जहां हमको चेंजेस करने की जरूरत थे वो हमने यहाँ पे अमेंडमेंट्स वगैरह किए हैं जो भी मामले जो भी इश्यूज आपके ऑफेंसेस से क्राइम से रिलेटेड थे उन सबको हमने सिस्टमैटिकली अरेंज किया है और उसमें आपके चेंजेस वगैरह किए हैं तो डिफरेंस आपको क्या समझ में आया कि जो आईपीसी वाला आपका प्रियम्बल था बहुत ही जेनरिक सा था बहुत ही बहुत ही बेसिक सा था जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि भाई भारत में एक प्रॉपर एक जनरल पीनल कोड की जरूरत थी तो वो हमने बना के पेश कर दिया ठीक है यहीं पे इन्होंने प्रियम्बल को क्या किया है भारतीय न्याय संहिता में थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है कि भाई हमने सिस्टमैटिक तरीके से बी बनाया है जहां जहां हमको चेंजेस करने की जरूरत थी ठीक है वहां वहां हमने चेंजेस करके अमेंडमेंट करके आपका ये बी एन यहाँ पे क्रिएट किया है है ना तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हमको क्या डिफरेंसेस समझ में आए कि भाई एक तो एक्ट का नाम बदल गया है ना? जो साल था, वो आपका बदल गया. उस पर भी आऊंगी है ना प्रियांबल क्या था प्रियांबल इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया प्रियांबल इन्होंने यहाँ पे बदल दिया ठीक है इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि पहले आईपीसी में क्या था चैप्टर नंबर वन था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन और फिर उसी में आपका प्रियाम्बल और सेक्शन नंबर वन से सेक्शन नंबर पांच तक था यहाँ पे इन्होंने किया है प्रियाम्बल पहले ही ऊपर दे दिया है फिर है चैप्टर नंबर वन प्रिलिमिनरी और उसके नीचे है आपके तीन सेक्शंस। यहां तक बात समझ आ गई यहां तक गया कि ऊपर से चला गया यहां तक इज इट क्लियर जल्दी से एक थम्सअप दे दो तक तो वैसे भी कुछ ट्रिकी था नहीं यार आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन आपके आने भी चाहिए ठीक <coughs> है तो बेसिकली अब जो आप बीएनएस का प्रियांबल देख रहे हैं जो अभी मैंने बीएनएस का प्रियांबल आपको पढ़ के बताया बी एन एस का प्रियांबल आपको क्या दिखाता है किसी भी, किसी भी भी चीज का तुमको तुमको क्या क्या बताता है है समझाता आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियांबल देखो आप आईपीसी का प्रियांबल देखो आप बीएनएस का प्रियांबल देखो प्रियांबल का बेसिकली मतलब क्या होता है उस कानून को बनाने का पर्पस ठीक है उस कानून को बनाने का पर्पस ठीक है तो बीएनएस का पर्पस हमको क्या समझ में आया कि भाई इनको लग रही थी दिक्कतें इनको लग रहा था प्रॉब्लम आईपीसी में कि भाई तुमने ये चीज सही से नहीं की है है ना तुमने जो प्रायोरिटी वाले ऑफेंसेस थे वो तुमने पीछे दिए हुए हैं वो तुमको आगे देना चाहिए था कुछ चीजें जिनको आपको ऑफेंस बनाना चाहिए था वो आपने यहाँ पे नहीं बनाया है तो अब उन चीजों को हम ठीक कर रहे हैं तो किसी भी कानून का जब आप प्रियांबल देखते हो उसी से आपको समझ में आ जाता है कि भाई सरकार ने इस कानून को क्यों बनाया है सरकार के सरकार के जो है दिमाग में एक्जैक्टली exactly क्या रीजन थे क्या ऑब्जेक्टिव थे इस चीज को यहां पे बनाने वाले तो जो मेकर्स हैं जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता आपका बनाया है उन्होंने क्या सोच के बनाया है यह आपको प्रियांबल से ही समझ में आ जाता है ठीक है खैर प्रियांबल भी अगर नहीं देखोगे तो अमित शाह जी की अगर आप स्पीचेस वगैरह सुनेंगे लोकसभा राज्यसभा की तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि प्रियाम्बल क्या है जो बात प्रियांबल में लिखी है वही बात उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में भी आपकी बोली थी ठीक है अब भारतीय न्याय संहिता में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपका चैप्टर नंबर वन तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी में क्या था आईपीसी में इसी चैप्टर का नाम इन्होंने रखा हुआ था इंट्रोडक्शन ठीक है यहां पे इसको इन्होंने क्या कर दिया है नाम चेंज कर दिया है प्रिलिमिनरी कह दिया है है ना आईपीसी में चैप्टर नंबर वन में आपके कितने थे टोटल पांच सेक्शन थे यहां पे इन्होंने कितने कर दिए हैं तीन सेक्शन आपके कर दिए हैं पहला सेक्शन आपका क्या है शॉर्ट टाइटल यानी इस एक्ट का इस कानून का नाम क्या होने वाला है ठीक है कब से ये आपका स्टार्ट होगा कहां कहां पे ये एप्लीकेबल आपका माना जाएगा ठीक है फिर सेक्शन नंबर में आपको आपको देखने को मिलेंगी तो ये भी मैंने आपको कल बताया था कि सेक्शन थोड़े और कम क्यों हो गए आपके आईपीसी में पांच थे यहां पे क्यों कम हो गए क्योंकि आईपीसी में हर सेक्शन एक हर डेफिनेशन एक अलग अलग सेक्शन में आपको देखने को मिलती थी यहां पे इन्होंने क्या किया है भाई एक ही सेक्शन है डेफिनेशंस का सेक्शन नंबर टू

कि टाइटल और एक्सटेंट क्या होगा इंडियन पीनल कोड का ये सेक्शन नंबर वन की हेडिंग थी ठीक है उसके बाद अंदर क्या लिखा हुआ था कि भाई इस एक्ट को क्या बोला जाएगा इंडियन कोड बोला जाएगा और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सटेंट जो है वो किया जाएगा अब भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने क्या किया है इन्होंने बोला है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज भारतीय न्याय संहिता मतलब ये जो आखिरी वाली लाइन थी ना कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया ये लाइन इन्होंने पे क्या कर दी है उड़ा दी है मतलब दिया है है मतलब कि हमको ज्यादा बार बार तुमको बताने की की एक्सप्लेन करने जरूरत नहीं है। जब हम बोल चुके हैं कि वो भारत का कानून है तो सीधी सी बात है कि भाई भारत के ऊपर ही अप्लाई होगा ये तुमको अलग से कानून में लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी ठीक है तो आईपीसी में जो ये बेफालतू की लाइन लिखी हुई थी ना कि इट विल एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडिया ये इन्होंने यहां से उड़ा दिया है इन्होंने सिर्फ नाम रखा है कि भाई इस एक्ट का नाम क्या होगा भारतीय न्याय संहिता आपका होगा है ना फिर इसका जो क्लॉज नंबर टू है वो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें उन्होंने अभी लिखा हुआ है कि भाई ये एक्ट उस दिन से फोर्स में आएगा ये एक्ट आपका उस दिन से लागू किया जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे बताएगी ठीक है जिस दिन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस दिन से ऑफिशियल गेजेट में प, प, पब्लिश करके कि भाई इस दिन से आपका भारतीय न्याय संहिता आने वाला है इन्फोर्समेंट में होने वाला है उस दिन से ये आपका कर दिया जाएगा

सेक्शन नंबर वन में कुछ भी नहीं है डिस्कस करने के लिए आईपीसी तो में आप इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिस्डिक्शन पढ़ते थे वो अलग अलग सेक्शन में था सेक्शन टू बात करता था इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में थ्री और फोर बात करते थे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बारे में ठीक है यहां पे इन्होंने क्या किया है सेक्शन वन में उस चीज को इंसर्ट कर दिया है तो जो सेक्शन नंबर टू था आपका इंट्रा टेरिटोरियल वो क्या बन चुका है सेक्शन नंबर क्लॉज आपका बन चुका है अब दोनों में कुछ चेंज हुआ है क्या तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सेक्शन नंबर टू और सेक्शन वन का क्लॉज थ्री एकदम आपका सेम है सेक्शन नंबर टू क्या बोलता था एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंदर अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within india same चीज यहाँ पे कंपेयर करके देखो same यहाँ पे लिखा है बस कोड को चेंज करके क्या कर दिया गया है संहिता कर दिया गया है यानी कि इंट्रा टेरिटोरियल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है सिर्फ शब्द का चेंज है कि भाई कोड को बदल के क्या कर दिया गया है यहां पे संहिता कर दिया गया है ठीक है अब अब ये वाला सेक्शन बेसिकली आपका क्या बोलता है तो अब भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से समझ लेते हैं सेक्शन नंबर वन का जो क्लॉज नंबर तीन है किस बारे में बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात करता है कि भाई ये रहा ये रहा रहा तुम्हारा तुम्हारा भारत 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 ठीक है अब तुम्हारे की टेरिटरी के अंदर कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन का मतलब क्या होता है भाई आप देश के नागरिक हैं या आप देश के नागरिक नहीं है यानी कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है या फिर आप एक इंडियन सिटीजन नहीं है ठीक है तो कोई भी पर्सन भारत की टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो कि भारतीय न्याय संहिता के विरुद्ध है भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट है तो आपको क्या माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता में लाइबल माना जाएगा हर उस इंसान को हम पनिश करेंगे इस संहिता के अंदर ठीक है अगर आपने ऐसा कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन किया है जो कि संहिता के प्रोविजंस के यानी कि सेक्शंस के विरुद्ध है उसके अगेंस्ट है ठीक है अब यही चीज हम आईपीसी में भी पढ़ते थे तो वही चीज आपकी यहां पे भी है तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा है आपका भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन वन क्लॉस तीन है सेम चीज आपको बता रहा है कि भारत की टेरिटरी के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ अब अच्छा टेरिटरी का मतलब यहां पर क्या होता है सिर्फ जमीन वाला इलाका नहीं

जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता है कि भाई किसी भी इंसान किस के ऊपर जो ना कि आपके नेशनैलिटी के हिसाब से यानी कि भाई भारत देश में अगर मॉडर है भारत देश में अगर डेकोइटी है भारत देश में अगर रॉबरी है भारत देश में अगर रेप है अब करने वाला कोई भी हो उससे हमको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता किसको सजा देनी है या किसको सजा नहीं देनी है ये इंसान का नेशनैलिटी यानी कि उसकी नागरिकता ठीक है या फिर उसकी लोकैलिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं किया जा सकता ठीक है यह डिसाइड होता है देश के कानून के हिसाब से देश के कानून के हिसाब से मर्डर है इंडिया में मर्डर मर्डर है इंडिया में रॉबरी रॉबरी है इंडिया में डेकोटी डोकॉइटी है करने वाला कोई भी हो या भारत में आपने कहीं पे भी किया हो उससे आपकी लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है आपको उसके लिए चार्ज किया जाएगा और आपके ऊपर जो है यहाँ पे कार्यवाही जो है वो की जाएगी अगर अगर आपने क्या किया है कोई भी ऐसा एक्ट किया है या कोई भी ऐसा ओमिशन किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन के यहाँ पे अगेंस्ट है तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में जो शब्द आपका लिखा है सेम जो हम इंडियन पीनल कोड में पढ़ते थे है ना वही सेम टर्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पर्सन

तो ये जो एवरी पर्सन जैसे आईपीसी में लिखा हुआ था वैसे ही एवरी पर्सन संहिता में भी लिखा हुआ है मतलब किसके ऊपर अप्लाई होता है कि भाई हर वो पर्सन जो कि देश के अंदर है अब तुम एक सिटीजन हो या फिर अब तुम एक नॉन सिटीजन हो यहां पे ठीक है अब इसमें ज्यादा ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सीधी सी बात है कि भारतीय न्याय संहिता जो है आपका ये इंसानों के ऊपर ही अट्रैक्ट होता है ये कंपनीज के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा जब आप एवरी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जब आप एवरी पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पर्सन से मतलब वहां पे क्या है एक इंसान एक ह्यूमन बींग तो सीधी सी बात है कि इंसान ही मर्डर कर सकता है इंसान ही रेप कर सकता है या इंसान ही डेकोइटी कर सकता है कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म किसी का रेप या डेकोइटी या मर्डर जो है वो नहीं कर सकते ठीक है तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे पर्सन के बारे में बात की जा रही है दे मीन उनका मतलब किससे है एक इंसान से है यहाँ पे है ना अब इसमें कल एक स्टूडेंट ने मुझसे एक एक सवाल पूछा था, एक पूछा था था क्वेश्चन ठीक है कि मैम जो पुराने वाले केस लॉज थे क्या वो केस लॉज अभी भी रेलेवेंट रहेंगे बिल्कुल रेलेवेंट रहेंगे जब सेक्शन नहीं बदला है तो केस लॉ क्यों आपका बदल जाएगा तो जैसे आप सेक्शन टू पढ़ते थे इंडियन पिनल कोड में वहां पे आपने मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस पढ़ा हुआ होगा मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस क्या बोलता था कि भाई कोई भी फॉरेनर अगर है कोई भी इंसान जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है वो अगर देश के अंदर में कोई भी ऑफेंस कमिट करता है हमारे भारत देश के अंदर में कोई भी ऑफेंस अगर वो कमिट करता है उसे किसी भी तरीके का डिफेंस नहीं मिल सकता आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे भारत देश के बारे में जानकारी नहीं थी मतलब भारत देश के क्या कानून है क्या नियम है क्या कायदे हैं मुझे उसके बारे में नहीं पता था या आपके यहाँ जो ऑफेंस है वो तो मेरे यहाँ तो ऑफेंस नहीं है तो मुझे नहीं पता था कि भाई आपके यहाँ ये चीज़ करने की सज़ा मिलती है ये सारे डिफेंसेस एक फॉरेनर को नहीं मिल सकते तो हमने मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस है वही केस अभी भी यहां पे भी आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है है ना लेकिन जब आप सेक्शन नंबर टू पढ़ोगे भारतीय न्याय संहिता का तो जैसे आप आईपीसी में पढ़ते थे कि यहाँ पे एवरी पर्सन का मतलब जो है उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि दूसरे देश की जो सरकारें हैं अब जो बाइडन है है ना किसी फॉरेन गवर्नमेंट के हेड है या फिर आपके फॉरेन एम्बेसिडर्स हो गए या फिर आपके यूनाइटेड नेशंस के जो है रिप्रेजेंटेटिव हो गए ठीक है देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए या फिर आपके गवर्नर हो गए तो सीधी सी बात है कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता वो एवरी पर्सन वाला जो आपका क्लॉज है उसमें वो फॉल नहीं करते हैं लेकिन हाँ <clears throat> अगर कोई फॉरेनर है आप केस लिखा हुआ है यहां पे मैं केस लॉज भी बताती जाऊंगी आपको ठीक है कि कौन से केस लॉज आपको अभी भी पढ़ने हैं जो आपके लिए अभी भी रेलेवेंट है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है इस केस में बेसिकली क्या बताया था कि भाई ये है भारत ठीक है अब ये वाले पॉइंट को ध्यान से समझना ठीक है ये है भारत और आप है एक फॉरेन नागरिक आप है एक सिटीजन है ना आप अगर भारत देश के अंदर में कोई ऑफेंस करते हो तो, तो आप लाइबल मान जाओगे ठीक है अब हो सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लेट से कराची आप, कराची में आप बैठे हुए हैं कर तुम ऑफेंस रहे हो भारत के बाहर से बाहर भारत के बाहर कोई देश है कोई शहर है कराची है पाकिस्तान है 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 भारत भारत के के बाहर है। की टेरिटरी आउटसाइड है, है ना वहां से तुम कोई ऑफेंस कर रहे हो लेकिन ऑफेंस का असर कहां देखने को मिल रहा है भारत के अंदर में देखने को मिल रहा है ऑफेंस हो रहा है पाकिस्तान से लेकिन ऑफेंस का इफेक्ट कहां हो रहा है टारगेट किसको किया जा रहा है भारत देश में बैठे एक इंसान को किया जा रहा है तो क्या आपके ऊपर सेक्शन नंबर ये जो है अप्लाई होगा बिल्कुल होगा यहां पे भी आपका इंट्रा टेरिटोरियल आपका अप्लाई हो जाएगा क्योंकि वही बात है कि ऑफेंस की जो सजा दी जाती है या कोई भी क्रिमिनल लॉ जो आपका लगाया जाता है वो देश के कानून के हिसाब से लगाया जाता है जहां पे हो रहा है ऑफेंस उसके हिसाब से लगाया जाता है किया किसने कहां से किया इन सारी चीजों से आपका फर्क नहीं पड़ता है ये सारी चीजें आपकी रेलिवेंट नहीं होती है तो बाहर का आदमी अगर पाकिस्तान से बैठ के भी कोई ऑफेंस कर रहा है लेकिन ऑफेंस इंडिया में किया जा रहा है तो भी आप लाइबल माने जाएंगे इसका रेलिवेंट केस आपने पढ़ा हुआ होगा दैट इज मुबारक अली वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो आपका केस है इज दिस क्लियर सेक्शन नंबर टू समझ में आ गया सेक्शन नंबर टू क्लियर हो गया ध्वनि आई सेड जो जो आपके रेलेवेंट केस लॉज आएंगे जो हम आईपीसी में पढ़ते थे वो हम यहां पे भी पढ़ते हुए जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट थे आपके जो अभी भी रेलेवेंट है आपके लिए जो जो बदले नहीं है सेक्शन नंबर ही बदला है वैसे तो केस लॉ अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कुल मिलाकर हमको बात क्या समझ में आई कि भाई सेक्शन नंबर टू का मतलब नहीं चेंज हुआ है सेक्शन नंबर टू में जो हम पढ़ते थे वो वैसा का वैसा अभी भी आपका यहां पे अभी भी अभी वैसा ही है है ना अब आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर पीपीटी हो जाएंगी ठीक है टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाएंगी इसलिए मैंने बोला था टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ठीक है ओके अब आईपीसी में हम क्या पढ़ते थे आईपीसी में हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर तीन और सेक्शन नंबर चार अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा इंट्रा टेरिटोरियल देश के अंदर की बात कर रहे थे अभी हम अब आ जाते हैं देश के बाहर तो सेक्शन नंबर तीन और सेक्शन नंबर चार में हम पढ़ते थे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है ना सेक्शन नंबर तीन में कुछ बातें थी और सेक्शन नंबर चार में थोड़ा और एक्सटेंट आपको एक्सप्लेन किया गया था अब यहां पे क्या चेंज हुआ है तो सेक्शन नंबर तीन जो है आपका ठीक है सेक्शन नंबर तीन जो है आपका अब वो बन चुका है सेक्शन नंबर वन क्लॉज फोर

ऐसा कुछ लिखा हुआ था इंडियन पीनल कोड में अब यहां पे इन्होंने क्या किया है एनी पर्सन लाइबल उतना सेम है अभी तक ठीक है अब आगे देखो बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इन इंडिया फॉर द टाइम बींग इन फोर्स इन इंडिया मतलब यहां पे इन्होंने देखो अब देखो क्या होता है इंडिया में कानून तो बहुत सारे हैं है ना इंडिया में कानून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं बट हो सकता है ना कि कुछ कानून अब आपके हटा दिए गए हों कुछ कानून अब आपके रिपील कर दिए गए हो कानून तो जब से भारत आजाद हुआ है तब से बहुत सारे बनाए गए हैं बट आज आज अगर हम बात करें 2023 हजार के एंड में अगर हम खड़े हुए हैं तो हो सकता है ना कि कुछ कानून ऐसे होंगे जो अब हमारे देश में फोर्स में फोर्स नहीं होंगे जैसे अभी आपने देखा पोस्ट ऑफिस बिल आ चुका है आपका नया पोस्ट ऑफिस बिल जो आपका आया है 2023 का उसने क्या किया है 1860 के बने हुए कानून को हटा दिया है था तो वो भी इंडियन लॉ ही ना लेकिन अब वो फोर्स में नहीं है अब आपका फोर्स में क्या आ जाएगा पोस्ट ऑफिस बिल आ जाएगा आपका फोर्स में तो यहां पे थोड़ा इन्होंने लॉजिक सी सेंस लॉजिकल सेंस वाली बात घुसाने की कोशिश की है ठीक है कि यहां पे पहले क्या लिखा हुआ था कि कोई भी पर्सन जो कि किसी भी इंडियन लॉ के अंदर में लाइबल है जिस पे किसी भी कोई भी इंडियन लॉ अप्लाई होता है इसको इन्होंने बदल के यहां पे क्या कर दिया है कोई भी पर्सन जिसके ऊपर एक ऐसा भारतीय कानून लागू होता है जो कि फोर्स में होना चाहिए मतलब कि वो कानून हटाया नहीं गया है

तो बाकी सब कुछ सेम है बस ये जो बाय एनी इंडियन लॉ वाली लाइन थी और बाय एनी लॉ फॉर दिंग इन फोर्स इन इंडिया था बस ये यहाँ पे चेंज किया गया है और कोड को बदल के क्या कर दिया है संहिता यहाँ पे कर दिया है ठीक है अब एक बार इस सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है थीके? अच्छा सेक्शन तीन और सेक्शन नए वाले इसको डिस्कस करने के पहले एक बार सेक्शन चार को भी देख लो ठीक है सेक्शन तीन और सेक्शन चार फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे ओके अब ऐसे ही आपका सेक्शन नंबर चार था आईपीसी में ये क्या बात करता था इसमें आपका वही सब लिखा हुआ था ठीक है कि जो सेक्शन तीन में हमने आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बताया उसकी लिमिट लिमिट क्या होगी limit बोले तो कि भाई कोई भी भारत का नागरिक अगर इंडिया में ऑफेंस करे इंडिया के बाहर करे उसके ऊपर आईपीसी लागू होगा कोई भी भारत देश का एयरक्राफ्ट है जिसे इंडिया में रजिस्टर किया गया है उस पर आपका आईपीसी लागू होगा है ना कोई भी इंसान अगर भारत देश के बाहर से बैठ के किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है जो कि इंडिया में लोकेटेड है तो उसके ऊपर भी आपका आईपीसी लागू होगा तो अब ये जो सेक्शन नंबर चार था ये डिट्टो इन्होंने क्या किया है कॉपी पेस्ट किया है बस बदल क्या दिया है ये जो क्लॉज नंबर बी में आपको एक डेफिनेशन दी गई होती थी कि द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के मतलब ये जो भी कुछ लिखा हुआ था इसमें बकवास ठीक है कि इसका मतलब वही होगा जो आईटी एक्ट में लिखा हुआ है ये वाला पूरा क्लॉज इन्होंने उड़ा दिया है तो अब मैं आपको नया वाला दिखाऊं तो सेक्शन नंबर फोर अब आपका क्या बन चुका है सेक्शन वन का सब क्लॉज फाइव बन चुका है ठीक है जहां कोड लिखा था वहां पे संहिता कर दिया गया है बाकी अदरवाइज पूरा सेक्शन आपका सेम है वही पहला जो पॉइंट था सेम है सिटीजन वाला ठीक है फिर शिप और एयरक्राफ्ट वाला यह पॉइंट भी आपका सेम है फिर अगर आप किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करते हो जो कि इंडिया में लोकेटेड है यह भी आपका सेम है फिर ऑफेंस का मतलब क्या होगा ये भी एक्सप्लेनेशन वाला जो पॉइंट था ये भी आपका सेम है है ना उसके बाद जो हम ये इलस्ट्रेशन पढ़ते थे बहुत ही फेमस इलस्ट्रेशन है है ना ये इलस्ट्रेशन आपको याद होगा काफी सारे प्रिलिम्स के एग्जाम में ये पूछा जाता था कि ए जो है वो एक भारत का नागरिक है एक इंडियन सिटीजन है वो युगांडा में जाके एक मर्डर कमिट करता है तो क्या उसको भारत में सजा दी जा सकती है ये इलस्ट्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा इस इलस्ट्रेशन को भी इन्होंने यहाँ पे क्या किया है थोड़ा सा चेंज कर दिया है

आपके ऊपर आईपीसी जो है यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो आपका लाइबल आपके ऊपर जो है वो अट्रैक्ट यहाँ पे किया जाएगा तो सेक्शन नंबर चार में कुल मिला के क्या क्या बदलाव हुए हैं आपके ये जो कोड वाला पार्ट था ये अब आपका संहिता बन चुका है ये जो कंप्यूटर रिसोर्स वाला पार्ट था ये आपका उड़ाया जा चुका है और ये जो युगांडा वाला आपका फेमस इलेस्ट्रेशन था इसमें से इन्होंने युगांडा हटा के क्या कर दिया है इसको विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कर दिया है है ना ये आपके बदलाव हुए हैं अब इन दो सेक्शंस को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं तो सेक्शन नंबर वन का क्लॉज नंबर फाइव और क्लॉज नंबर फोर मैं बात कर रही हूं किसके बारे में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन के बारे में ठीक है जो आपके सेक्शन नंबर चार और सेक्शन नंबर सॉरी सेक्शन नंबर तीन और सेक्शन नंबर चार आपके यहां पर हुआ करते थे अब इन दोनों में आपको क्या बताया गया है <clears throat> इन दोनों में आपको बताया गया है कि देखो पहले तो भारत का अगर कोई नागरिक है और भारत का कोई नागरिक अगर भारत के बाहर जाके भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता आपका एप्लीकेबल होगा जैसे हम आईपीसी में पढ़ते थे कि भाई कोई भी ऐसा इंसान जो कि इंडियन जिसपे इंडियन लॉज आपके एप्लीकेबल होते हैं तो भारतीय न्याय संहिता क्या है एक इंडियन लॉ है एक इंडियन कानून है तो अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूं अगर क्या मैं हूं एक इंडियन सिटीजन मैं एक इंडियन सिटीजन हूं मेरे ऊपर भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होता है और अगर मैं नेपाल में जाके मर्डर कर देती हूं तो क्या मुझे भारत में के लिए पनिश किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है तो अभी अभी किस पे चले गए नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्टिक्शन यहां पे कि भाई भारत का कोई नागरिक भारत का कोई नागरिक अगर इंडिया में ऑफेंस ना करे लेकिन बाहर जाके कोई ऑफेंस करे तो आपको उसी तरीके से किया जाएगा, मानलो आपने इंडिया में ही ऑफेंस किया है अगर मैं इंडिया में करती, इंडिया में करती, तो मुझे तो भी क्या मेरे ऊपर भारतीय न्याय एप्लीकेबल होगा बिल्कुल होगा यही बात करता है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन कि तुम भारतीय न्याय संहिता को बाहर कैसे एप्लीकेबल बना रहे हो क्योंकि भाई तुम्हारा बंदा सेम है करने वाला जिस जो बंदा आपको ऑफेंस कमिट कर रहा है है ना वो सेम है यहाँ पे आप, आप ही का सिटीजन है तुम्हारा तो ही नागरिक है तो वो भारत में करे किसी चीज को या बाहर करे उससे फर्क नहीं पड़ता आपके देश के कानूनों के हिसाब से वो लायबल माना जाएगा तो ये जो, ये जो जो पॉइंट है इसका rational, इसका रैशनल प्रिंसिपल सिंपल सा ये होता है ठीक है कि देखो कोई भी इंसान है कोई भी आप किसी भी आप किसी भी स्टेट के हैं आप किसी भी आप किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हैं आप किसी भी देश को बिलोंग करते हैं अगर आप उस देश के नागरिक हैं अगर आप उस देश के एक सिटीजन हैं तो उस देश का एक तरीके से राइट बनता है आपको रेगुलेट करना जैसे अब देखो वही बात है ना कि तुम घर पे रहो लेकिन तुम घर के अगर बाहर जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम माँ बाप की छत्र छाया से एकदम बाहर चले जाते हो जो चीजें तुम घर पे रह के नहीं कर सकते वो तुम बाहर जाके भी नहीं कर सकते ना जो चीजें आपको पता है आपके माँ बाप घर पे अलाउ नहीं करेंगे वो वो बाहर भी अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम्पल की बुरा मत मानना एग्जाम्पल है ठीक है किसी बच्चे के माँ बाप को पसंद नहीं है ठीक है किसी बच्चे के माँ बाप को अगर पसंद नहीं है कि उनका बच्चा अल्कोहल कंज्यूम करे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि बच्चा घर पे अल्कोहल ना कंज्यूम करे उनके हिसाब से वो बच्चा कहीं पे भी अल्कोहल ना कंज्यूम करे ना तू घर में अल्कोहल कंज्यूम कर ना तू बाहर जाके अल्कोहल कंज्यूम कर ना तू घर में ड्रग्स कर ना तू बाहर जाके ड्रग्स कर ठीक है तो क्योंकि माँ बाप का क्या है कि भाई माँ बाप ने हमको पाला पोसा है माँ बाप वो हमारे रहेंगे तो जब तक हम उनके बच्चे हैं तब तक हमको उनकी सुननी पड़ेगी तो वही सिंपल प्रिंसिपल पे भी लगाओ कि जब तक या भारत के बाहर कर, भार कर रहे हो अगर तुम घर में एल्कोहल कंज्यूम करोगे तो भी तुमको चमाट पड़नी है और घर के बाहर अगर तुम पकड़े गए से किसी पागल से अंकल आंटी ने चाचा चाची ने तुमको देख लिया जैसे होता नहीं है टपरियां होती है टपरियों पे मान लो कोई सुट्टा वुट्टा मार रहा था कोई बच्चा होता है ना वो अंकल आंटी लोग घर पे जाके बता देते हैं अरे आपका लड़का दिखा था वहां पे सुट्टा मारता हुआ उस के ऊपर है है ना तो तो वही बात है। तो भी तुमको चमाट पड़नी है तो वही रैशनल है वही बात है आपका सेक्शन नंबर थ्री और सेक्शन नंबर फोर मतलब वन क्लॉस फोर और वन क्लॉस वन क्लास फाइव का आपका कि भाई जब तक आप भारत देश के नागरिक हैं तो तुमको भारत देश में रहके भी चमाट पड़नी है और भारत देश के बाहर जाके भी चमाट पड़नी है जैसे इसका एक एग्जाम्पल जो आपने कई बार सुना होगा एग्जाम में कई बार ये सवाल के तौर पे भी आया है कि ए मान लेते हैं एक शादीशुदा इंसान है भारत देश में इसकी शादी हुई इसकी बीवी है यहाँ पे इसके बच्चे भी हैं यहाँ पे है ना उसके बाद क्या बोलते हैं ए जो है बाहर किसी देश में क्या चला गया पढ़ने के लिए चला गया बाहर जाके इसने किसी गोरी से किसी फिरंग से जो है जाके शादी वगैरह कर ली वहां पे तो अब इसका मत देखो तो यहाँ पे इसका बेसिकली पॉइंट क्या होगा कि अगर आप भारत देश में यही चीज करते तो तुम्हारे ऊपर बाइग्यामी लगता अब तुम बाहर जाके कर रहे हो तो भी तुम्हारे ऊपर क्या लगाया जाएगा बायग्यामी ही लगाया जाएगा तो यही है आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो रिस्टिक्शन यहाँ पे जो आप सेक्शन आप हम पहली लाइन पढ़ते हैं ना कि एनी पर्सन विद इन एंड बियॉन्ड इंडिया अगर कोई भी चीज आपकी करता है तो वो यहाँ पे भी लाइबल माना जाएगा और बाहर पे भी आपका लाइबल माना जाएगा ठीक है इसके अलावा तो ये था आपका पहले वाले लाइन का मतलब दूसरे वाले लाइन का मतलब क्या होता है अब देखो दिक्कत क्या आती है जैसे मान लो एक हवाई जहाज है ठीक अच्छा है पढ़ते ही रहते हैं इसको टपकाया उसको टपकाया तो मेरे को फैंटेसी आई कि भाई मेरे को जो है उड़ते जहाज में क्या करना है किसी इंसान का मर्डर करना है तो मैं किसी तरीके से भाई जैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था पार्लियामेंट में है ना वैसे ही मैंने क्या किया मैं जूते में या कहीं पर डाल के किसी तरीके से एक चक्कू वक्कू जो है प्लेन में लेके चली गई और प्लेन में ले जाके जा मैंने क्या कर दिया वहां पे किसी इंसान का मर्डर कर दिया ठीक <clears throat> है अब मैं हूं भारतीय जिसने मर्डर किया दैट पर्सन इज इंडियन जिसका मर्डर किया मैंने वो था चाइना है ना मुझे लगा मुझे आई लाइक like, मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो मुझे थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे तुम लोग ठीक है तुम लोग लो ना थोड़ा परेशान से कर रहे हो हमको दो तीन साल से तो जिस पर्सन का मैंने मर्डर किया वो था चाइना और जो प्लेन था वो था यूएस का अब सवाल ये आता है मारने वाला भारतीय मरने वाला चाइना उड़ने वाला यूएसए तो ये केस किसके पास जाएगा मतलब ये जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास जाएगा तो सेक्शन नंबर ये जो उसका पॉइंट नंबर टू है पॉइंट नंबर टू जो है ये उसी चीज को क्लियर करता है पॉइंट नंबर टू आपका क्या बोलता है कि देखो

जो बीच में होने नहीं लग गया था लोगों के साथ स्कैम वगैरह काफी हो रहे थे लोगों को पता नहीं कहां कहां से मलेशिया से वियतनाम से बाली से इंडोनेशिया से पता नहीं कहाँ कहां से लोगों के पास कॉल वॉल आ रहे थे वीडियो कॉल्स वगैरह भी आ रहे थे तो वो सब वो सारी चीजें बेसिकली क्या होती हैं कुछ ऐसे होते हैं जो भारत देश में ही बैठ के वो कर लेते हैं कुछ जेनुअनली आपको बाहर के जो देश होते हैं वहां से कुछ स्कैमस्टर्स फ्रॉडस्टर्स आपको पैसा बनाने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए आपके साथ वगैरह करने के लिए तो वो सारी चीजें क्या है वो थर्ड वाले क्लॉस में फॉल कर जाएंगी कि भाई बाहर में बैठा कोई आदमी यहां बैठे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जो मैंने आपको मुबारक अली वाला केस बताया इंसान बैठा है कराची में ऑफेंस कहां कर रहा है इंडिया में कर रहा है किसी के साथ तो that is in your clause number C, तो ठीक है 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 बाकी मैंने आपको बताया आपका आपका जो जो वो same ही है. Illustration में आपका कोई भी change यहां पे नहीं हुआ है कि ए जो एक citizen है, भारत का नागरिक है वो भारत के बाहर अगर कहीं पे भी कोई ऑफेंस करता है कोई भी क्राइम करता है तो भारत में वो जहां पे भी पकड़ा गया वहां पे उसको क्या करेंगे अपन पकड़ के पेलेंगे ठीक है अपन उसको पकड़ के वहां पे पनिश करेंगे ठीक है फिर आपका जो सेक्शन नंबर पांच है वो अब आपका क्या बन चुका है सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 6 यहाँ पे आपका बन चुका है अगेन इसमें कुछ भी चेंज नहीं है बस ये एक्ट की जगह इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है संहिता कर दिया है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉरPunishing mutiny and desertion of officers soldiers sailors और airmen in the service of government of India और दी प्रोविजंस ऑफ स्पेशल लॉज तो ये हम पहले भी इसको पहले भी इग्नोर करके चलते थे इसको अभी भी इग्नोर कर दो क्योंकि वैसे भी इन दो सेक्शन में कोई चेंज हुआ नहीं है एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एनी वे नॉट इम्पोर्टेंट नॉट रेलिवेंट ओके नाउ गाइस तो अभी तक वट एवर वी डिस्कस्ड अभी तक जो भी कुछ हमने डिस्कस किया इज दैट क्लियर क्या वो समझ में आपको आया जस्ट क्विकली कंफर्म विचार तो उच्च है मेरे नो no डाउट ऐसे डिस्कशन वार्तालाप वगैरह करेंगे तो यू विल गेट टू नो विचार बहुत अच्छे हैं मेरे आई हैव गुड थॉट्स ठीक है चलो हाँ बिल्कुल गिरीश जी बिल्कुल डाउट्स पूछिए आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन है तो तो गाइज आज की कथा यहीं तक थी है ना थैंक यू प्रिंस रासरानिया आज की क्लास यहीं तक थी ठीक है कल से जैसे कि मैंने आपको बोला था ये था हमारा सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर वन किसका भारतीय न्याय संहिता का है ना भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर वन था ये सेक्शन नंबर टू दैट इज योर डेफिनेशन वाला क्लॉज उससे हम कल से स्टार्ट करेंगे क्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट डे आज हमारा सेक्शन नंबर वन कंप्लीट हो गया है जो कि बेसिकली आपका आईपीसी का सेक्शन नंबर एक से सेक्शन नंबर पांच तक का पार्ट था <coughs> विनय मिश्रा जी कल क्लास नहीं होगी आ जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था मंडे टू फ्राइडे ये सेशंस आपके करवाए जाएंगे इफ अ पर्सन एक्वायर अदर कंट्रीज सिटीजनशिप देन ऑल्सो लाइबल अंडर बी नहीं गिरिश जी अगर आपने ऑफेंस जब किया था उस टाइम पे अगर आप भारत के नागरिक थे तो तो सीधी सी बात है आपके ऊपर बी अप्लाई होगा बट अगर आपने भारत की नागरिकता जो है ये एक्चुअली इसका आंसर मैं आपको दो तरीके से बता सकती हूं ठीक है गिरीश जी मान लेते हैं कि कोई पर्सन है कोई पर्सन है जो कि भारत का नागरिक नहीं है जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन उसने बाद में इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो सीधी सी बात है कि जब वो सिटीजनशिप एक्वायर करेगा तभी तो भारत का नागरिक बना तो जिस दिन से भारत का नागरिक बना है उसी दिन से ये कानून आपके अप्लाई माने जाएंगे है ना सिमिलरली अगर मैं एक इंडियन सिटीजन हूं और मैंने इंडियन सिटीजन citizen को सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया रिवोक कर दिया तो जिस दिन से अब मैं भारत की नागरिक नहीं रही दैट मीन्स कि इंडियन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन मी एनी मोर आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन मतलब अगर मैं इंडिया के बाहर हूं तो आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन तो सीधी सी बात है कि उसके बाद मेरे ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा तो अगर मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के मैं बाहर चली जाती हूं तो फिर सीधी सी बात है बी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा आ, प्रिंस राज दिस क्लास विल हैपन दिस क्लास विल हैपन मंडे टू फ्राइडे ठीक है गाइस अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है दिस इज न्यू ईयर बैच लाइफ फाउंडेशन बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन सेकेंड ऑफ जनवरी तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच

उस पर न्यू ईयर की सेल आ चुकी है तो वैसे तो ये हमारा कोर्स चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे का है बट यू विल गेट इट फॉर ट्वेंटी टू ट्रिपल नाइन अभी दो हजार रुपए का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा है आ, नरेंद्र भंडारी कैन गेट द न्यू बैराट इन माई टेलीग्राम ग्रुप ठीक है सो so, हाँ तो श्रवण गुप्ता अभी तो आपने ज्वाइन किया है ना आई आई विल टीच इन द अपकमिंग बैचेस मेरे वाले सब्जेक्ट्स तो आन दो ने टीच ओके सो गाइस अगर आप इस न्यू ईयर लाइफ देखो सीधी सी बात है इफ यू आर लाइकिंग जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूं वो आपको समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि चीजें समझ में भी आती जाएं थिंग्स आर इंटरेस्टिंग आल्सो थिंग्स आर फनी आल्सो थिंग्स आर नॉट बोरिंग आल्सो तो इसी इससे और अच्छी तरीके से और डिटेल में We teach in the study IQ मुझे रोज पढ़ाई करनी है, है ना, और मुझे दो हजार चौबीस में जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है तो दैट्स वाई इट्स 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 अ गुड ऑफर फॉर यू की यहाँ पे न्यू ईयर का लाइफ फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड ऑफ जनवरी से अब इस बैच का जो प्राइज है

लाइव uh, क्लासेस में आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो आप बात कर सकते हो जैसे यूट्यूब पे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी डाउट्स हैं वो आपको Uh, इधर पूछने पड़ते हैं आपको लिख के पूछने पड़ते हैं बट यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स जो भी क्वेश्चंस हैं आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करके यानी कि अपने आपको अनम्यूट करके आप बातचीत वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं प्लस डेली हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं सो गाइज इट्स वेरी सिंपल अगर किसी भी स्टेट का प्रिलम्स का एग्जाम आपको क्रैक करना है द स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल कम से कम दस हजार एमसीक्यूज लगा के जाओ और वो दस हजार एमसीक्यूज का टारगेट अचीव करने में वी हेल्प यू और इसलिए यहां पे हम आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाते हैं प्लस प्रिलम्स के और मेंस के सेपरेट नोट्स आपको मिलते हैं डेली बेसिस पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है इसके साथ साथ मेन्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं जजमेंट राइटिंग कैसे करना है दैट ऑल्सो बी टेल यू फिर आपके इसके अलावा में आपके जीके करंट अफेयर यूपी बिहार वालों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो जीके करंट अफेयर लीगल करंट अफेयर की क्लासेस हो गई आपके आ, आपके लोकल लॉस की क्लासेस हो गई और आपके लैंग्वेज की क्लासेस हो गई हिंदी और इंग्लिश तो ये सभी कुछ इस बैच में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ओके यशार्थ दीक्षित जस्ट गिव मी मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है है वो दे रही ठीक सो गाइज अगर आप एनरोल करना चाहते हो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि ऑल यू हैव टू डू इज बाइनाव पे जाओ बायनाव पे जाओगे तो कोर्स ऐसे आपको थर्टी एट थाउजेंड का दिखाई देगा सो क्लिक ऑन एड प्रोमो कोड एंड यहाँ पे लेफ्ट में सबसे नीचे देखना एक बॉक्स बना होगा ए आर जे टाइप करना है मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर और इसको अप्लाई कर देना है तो बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे का ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा <coughs> वैसे इसका ट्वेंटी फोर ट्रिपल नाइन है न्यू ईयर की सेल है अभी सेकेंड ऑफ जनवरी तक आर तो गेटिंग इट फॉर ट्वेंटी टू ट्रिपल नाइन दो साल के लिए पूरा कोर्स आपको मिलता है जिसमें 10 से 12 महीने में विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस लेकिन जो कोर्स का एक्सेस है वो आपके पास 2025 तक रहेगा तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी हुई थी आप उन्हें 2025 तक रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार आ, इसके अलावा जैसे ही आप लाइव बैच में एनरोल करते हो जैसे ही आप स्टडी आई क्यू जुडिशरी की लाइफ बैच में एनरोल करते हो तो स्टडी आई क्यू जुडिशरी का एक और कोर्स है दैट इज महापैक का कोर्स ये आपको मिल जाएगा लाइव बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट महापैक में क्या है सोल स्टेट्स की जुडिशरी का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है तो जैसे ही तैयारी करना चाहते हैं नाउ आई कैन टेक योर डाउट्स फॉर टू मिनट्स क्लास का टाइम सेवन टू एट है मंडे टू फ्राइडे चलेगी फ्री uh, चलेंगे श्रद्धांजलि इट्स नॉट गोइंग टू बी पेड पूरा हम आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाने वाले हैं uh, Uh, यशार्थ का एक डाउट था सपोज मैम इफ इंडियन पर्सन कमिट मर्डर सिटीजनशिप इज ही इज लाइबल क्योंकि जब आपने ऑफेंस कमिट किया था इंडियन सिटीजन ठीक है तो बिल्कुल आप बीएनएस के अंदर में लाइबल माने जाएंगे मैम अदर कंट्री में किसी ऑफेंस के भी लीगल थीप स्पीक्स मुझे समझ में नहीं आया अ अननेचुरल ऑफेंसेस बिल्कुल डिलीट कर दिए हैं मैम इट्स बीन डिलीटेड अ गिरीश कुमार गिरीश गिरीश अननेचुरल ऑफेंसेस बिल्कुल आपके हटा दिए गए हैं सिद्धांत कुमार ये हमारे पेड बैचेस हैं जुडिशरी के जो हम चलाते हैं ठीक है उसमें हम आपको पूरी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं यहाँ पे youtube पे हम आपको नए वाले लॉज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं देयर इज अ ईशा एक स्कोप छोड़ रहे हैं वो दैट्स वाई दे से उसका कुछ मतलब वो नहीं है ठीक है एक ज, जिस टाइम पे ये ड्राफ्ट हुआ था ठीक है जस्ट इन केस इन्फोर्समेंट के पहले कंडीशन वो छोड़ने के लिए कि भाई अगर नाम वगैरह चेंज करना पड़ गया ठीक है तो उसको आईपीसी नहीं बोलना है बोला उसको भारतीय न्याय संहिता ही जाएगा मैडम वाई दे यूज द वर्ड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया इंस्टेड ऑफ आउटसाइड इंडिया बियॉन्ड आउटसाइड एंड बियॉन्ड मतलब एक थोड़ा आर ट्राइंग टू यू नो एक्सपैंड स्कोप ऑफ द डेफिनेशन नागराज आउटसाइड एंड बियॉन्ड का मतलब यह है कि भाई इंडिया की टेरिटरी के बाहर या उससे कहीं भी दूर बियॉन्ड इंडिया की टेरिटरी से कहीं भी दूर बियड तो थोड़ा मतलब यू नो सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें श्रवण एक दिन में तीन क्लासेज होती है अपूर्व सर की फिर मेरी और फिर श्रेमी मैम की निक्की कौर अगर हरियाणा के एग्जाम के पहले ये इन्फोर्स हो गए तो फिर ये वाले आएंगे अगर हरियाणा के एग्जाम तक इन्फोर्स नहीं हुए तो फिर पुराने वाले पूछे जाएंगे ओके चलिए सो सो थैंक यू मच वंस अगेन लाइक आई सेड आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी किसी के और कुछ डाउट uh, या कुछ क्वेश्चन वगैरह रह गए हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम uh, अपने धुन में यहां पे पूरा बैच नहीं करवाया जाएगा यहाँ पे सिर्फ तीन लॉस करवाए जाएंगे अगर आपको जुडिशरी की पूरी तैयारी करनी है जिसमें सारे लॉ सब्जेक्ट जीके करंट अफेयर सब कुछ आता है देन यू कैन कनेक्ट विथ अस फॉर द पेड लाइफ फाउंडेशन बैचेस ठीक है चलिए थैंक यू गाइस सो मच आई सी यू सुपर सूल बस एक फेवर uh, कर दीजिएगा प्लीज अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट एज मच एज यू कैन प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब चैनल एज वेल सो दैट आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशन की अपडेट वगैरह जो है वो मिलती रहे टेलीग्राम आई डी इज राइट ओवर हेयर बस सर्च कर लेना अर्जिता चतुर्वेदी जुडिशरी करके यू विल फाइंड द ग्रुप कुछ नाइन थाउजेंड ऑर्ड मेंबर्स uh, हैं उसमें ठीक है चलिए थैंक यू गाइस सो मच वंस अगेन टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय